ये देखिए ट्रेन भी हमारे साथ रेस कर रही है, सभी हम ट्रेन को ओवरटेक करेंगे। ओहो अच्छा, ट्रेन तो ये कम ही है, ये तो पूरी भी नहीं है, ये तो एक ही डब्बा है। ओला बाय बाय ट्रेन जी। तो ये पता नहीं यहाँ से कहीं पे ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, यहाँ पे कहीं पे इसकी बॉडी तैयार हुई होगी। मेरे हिसाब से सरंद में ये तो सुना था कि बड़ी अच्छी बॉडीज तैयार होती हैं। सो एक और हमारा टोल आ गया है, 6वें नंबर का टोल है हमारा, जब से हमने जम्मू से स्टार्ट किया है। तो अब पानीपत आने वाला है, जैसे मैं आपको कह रहा था पानीपत आने वाला है, दैट इज़ ओनली 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। सो इस टोल को करते हैं जल्दी जल्दी क्रॉस। सो ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ से ये साइड से ये पावर सप्लाई जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, थोड़ी सी ये ट्रांसमिशन जा रही होगी स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टू स्टेट। ट्रांसमिशन आपने कभी देखा है, इन पे ना वायर्स पे बहुत बड़े बड़े बॉल्स लगे होते हैं, तो आप में से किसी को पता है वो किस लिए होते हैं? अगर पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। पानीपत इज 18, दिल्ली इज 108 किलोमीटर। और ये जो गाड़ी जा रही है ना राइड में, वाह, वॉल्वो की गाड़ी है और ऊपर से इसकी एवरेज 40 की एवरेज निकालती गाड़ी, 40 की वही डाउट, कभी कभी डाउट आ जाता है, इंजन छोटा था ना गाड़ी, इन्होंने गलती से गाड़ी का जिसकी एवरेज निकली थी। बेसिकली हाइब्रिड इंजन है, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल या डीजल, तो जिसकी वजह से ये निकालती है 40 की एवरेज। सो फाइनली एक चीज और अच्छी हो चुकी है कि मौसम साफ हो चुका है हमारा। और ये वॉल्वो की बात नहीं कर रहा था, वॉल्वो गाड़ी की बात कर रहा था, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको भी वॉल्वो ही कहते हैं, बट इसकी एवरेज तो मुझे नहीं लगता कि 10 से भी ऊपर होगी, इसकी एवरेज बहुत कम होगी। अन्ना रस कला। सो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे ब्रेक मारी जाए, अब हमारा टाइम हो गया है खाने पीने का, इट्स ऑलमोस्ट 8:30। सो देखते हैं जो अच्छा सा ढाबा मिलेगा वहाँ पे ब्रेक मार लेंगे। तो बस अब दुआ करते हैं कि रोड और मौसम बढ़िया ही मिले आगे हमें। तो अब हम रुक चुके हैं धर्म ढाबा। सो गर्म हो गया, गर्म गर्मा गर्म खाएंगे यहाँ पे परांठे हम। तो मुरथल यहाँ से रह गया 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स रह गया, तो देखते हैं वहाँ पे भी क्या पता एक आधा परांठा हम छक लें वाइट मक्खन के साथ, अगर यहाँ नहीं मिला तो। अगर तो अभी पहले पेट में जगह बची, हाँ, तो पेट में जगह बची, इतनी तो बची जाती है हम लोगों के, ये तो हमारा तुम के लोगों, ये हमारी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, फिर हमारी ब्रेकफास्ट आएगी, सो दैट्स द डिफरेंस। सो अभी चलते हैं, देखते हैं पहले अंदर रोटी भी आएगी नहीं। आज मेरे से मेन्यू लेके पापा डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, मम्मी सोच रहे हैं बैठ के, तो अभी देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो यहाँ पर डोसा प्लाजा भी है, साथ ही में कॉफ़ी की मशीन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दो पार्टीशन में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट, मुझे नहीं पता फ़र्क क्या दोनों में। तो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर कर रहे हैं आस्ते आस्ते। सो इतने आ गया मेरा आलू का परांठा, नाल है चिट्टा मक्खन, नाल है चिट्टा चिट्टा दही। सो यहाँ पे देखते हैं इसका स्वाद कैसा। तो वाइट बटर खाने का बड़ा मन था, मोस्टर में खाएंगे, पर यहाँ पे भी मिल गया तो मज़े वाली बात है। सो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, तो ब्रेकफास्ट वगैरह डन हो चुकी है, तो जैसे यहाँ पे गया था वाइट बटर के साथ दही वगैरह सारा कुछ था, मज़ा आ गया खा के। सो अभी हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली को बाईपास करते 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 पता नहीं कहाँ जाएंगे, रूट मैप लगाएंगे, रूट मैप बताएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मैं आपको कभी कभी ना शक्का लगा वे 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 वे। लो जी एक और टोल जी आ गए हैं हमारे, टोल देवता जी। सो इसके 7वां टोल है शायद से, आप गिनते रहना मेरे को याद नहीं है, 7th टोल है मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को याद है। लो जी एक और टोल आ गया हरियाणा के अंदर अंदर, ये हमारा तीसरा टोल है, थर्ड टोल विद इन हरियाणा, और हरियाणा भी यहाँ से 50 किलोमीटर और आगे लंबा है। सो टाइम टू रीफ्यूल आर गाड़ी। सो टाइम है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया जाए, पेट्रोल की जरूरत पड़ गई है गाड़ी को। पता नहीं पीछे मैंने 90 रुपीज लीटर पड़ा था, यहाँ पे फिर से 96 आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि क्या है क्या नहीं है। चले पीछे, तो चले बाबा लगता है पीछे जाके पेट्रोल डलवा के आऊंगा मैं वापस जाके ना। तो यहाँ पे है डीजल 82 रुपीज है, पेट्रोल का पता नहीं मेरे को, मैं पेट्रोल देखता हूँ अभी आगे जाके। पेट्रोल है 96, 1 रुपया सस्ता, वाओ यस। जम्मू से चलो बाबू, जम्मू से
तो पेट्रोल हमने डलवा लिया, तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ग्वालियर। ग्वालियर का रास्ता हमने ले लिया, तो एक्सप्रेस वे चढ़ेगा, ये पता नहीं कौन सा एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो यहाँ पे से हम जा रहे हैं। मुझे एक बात ही समझ आई कि हमने गाड़ी की, मेरी रेंज थी 300 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की गाड़ी की रेंज थी, तो 300 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए मिनिमम 20 किलोमीटर से, 20 के लीटर से ज्यादा। बट तो मेन चीज है 50 लीटर की टैंकी है और गाड़ी में पेट्रोल पड़ा है 40 लीटर। या तो हिंडाई गलत है या तो इनका पंप गलत है, मेरे को कुछ नहीं समझ लगा इन्होंने क्या किया। अगर अभी और भी डाल सकते थे, अभी तो और डाल रहे थे वो, मैं भी बस करो इस तो बाद पता नहीं चांद तक ना चल जाए किधर गड्डी सीधी। सो कुछ समझ नहीं लगा, मुझे भी नहीं कभी कभी समझ लगती ना हिंडाई की ना गाड़ी की ना इसकी एवरेज की। 20 प्लस 40 लीटर हो गया 60 लीटर, 50 लीटर की टंकी में 10 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल, मतलब 2 से 3 से चलो 5 लीटर मान लिया कि चलो रिजर्व हो सकता है। ऐसी तो क्रेटा की एवरेज है नहीं कि 10 लीटर में कोई ये 300 किलोमीटर निकल जाएगी, बट स्टिल चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब ठीक रहे। तो अभी रेंज, तो अभी हम जा रहे हैं 300 किलोमीटर, तो एक्सप्रेस वे पे हम पहुंच गए हैं, सब चल रहे हैं। सो ये देखिए सामने कितना ही प्यारा लग रहा है, ये टोल गेट है एक्सप्रेस वे का, जबरदस्त बनाया हुआ है मेरे हिसाब से। सो कितना ही जबरदस्त लग रहा है, देख सकते हैं ध्यान से, टोल ही टोल है, ये नौवां टोल है हमारा, बट ये है कि हरियाणा से टूवर्ड्स ग्वालियर की तरफ अब हम जा रहे हैं। सो एक्सप्रेस वे मजेदार, देखते हैं अब यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं टोल आराम से काम करेगा कि नहीं करेगा। यार आप सारे ना ये वाला जो टाइम स्लैप था ना थोड़ा स्लो करके जरूर देखना, जहाँ पे टोल का बैरियर खुला ना, बैरियर आपको दिखाई नहीं होगा टाइम स्लैप में, एक बार स्लो करके जरूर बैरियर देखना मेरे कहने पे। और एक्सप्रेस वे कितना ही बड़ा लग रहा है बट आगे जाके छोटा हो रहा है, मुझे लगा था ये हाईवे से हमारे बड़ा होगा, फोर लेन में तो हम ऑलरेडी आए हाईवे पे, चलो आगे जाके बड़ा होगा, तस्वीर बड़ी होनी चाहिए। ट्रेलर से क्या रखा है सर, ये हमारा एक्सप्रेस हाईवे है, सो इसकी स्पीड लिमिट फॉर द गाड़ियां इज मजेदार, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर। सो 120 अगर हाईवे वाले बोल रहे हैं तो जो गाड़ियां मेरे हिसाब से 140 150 ही चलती होंगी, यहाँ पे उससे नीचे कोई नहीं चलता होगा। बाकी कैमरास का मेरे को पता नहीं है कि पुलिस वाले या कैमरा वाले खड़े होते हैं कि नहीं होते, वैसे तो आज संडे है, होपफुली संडे को छुट्टी मना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सो यहाँ पे जो एग्जिट था लेफ्ट साइड को, एग्जिट था कि नहीं था पता नहीं, दिल्ली को टूवर्ड्स चले गया वो रास्ता। सो दिल्ली को शायद से ये वाला जो एक्सप्रेस वे है बाईपास करता है, मैं भी पता नहीं, मैप मैंने बंद कर दिया तो मैप चेक करता हूँ, तो ये शायद से बाईपास करता है दिल्ली को। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ग्वालियर, ग्वालियर से होते हुए झांसी, फिर देखते हैं या झांसी रुकते हैं या जहाँ पे हमारा मन करेगा वहाँ पे ब्रेक मार के गाड़ी लगा के सो जाएंगे, गाड़ी के अंदर सोएंगे हम, नहीं बाहर जाएंगे, कैंसिल होटल लेना, गाड़ी में सोएंगे, खाएंगे बाहर, बाकी काम भी बाहर करेंगे, बस सोएंगे गाड़ी में। तो एक्सप्रेस वे बड़ा ही सही लग रहा है, तो ये वाइब्रेशंस पता नहीं हमारे क्यों है यहाँ पे, या हर जगह होती है मेरे को कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का, बाहरली कंट्रीज में मैंने इतनी वाइब्रेशन देखी, बट चलो ठीक है मान लिया मैंने होती है वाइब्रेशन, माय मिस्टेक, मैंने कुछ नहीं पता। सो दिल्ली क्रॉस बाईपास कर चुके हैं हम, तो यहाँ से डोंट यूज, एक बात ध्यान रखें जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं अपनी, खासकर अपनी फैमिली के साथ कोई रिस्क मत लीजिए, तो बंद कीजिए फोन, क्योंकि मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा, मैं इस साइड बैठा हूँ, तो आप आगे जरा ध्यान दें थोड़ा सा अपना, यहाँ ना बोले या तो आगे देख के खाली बोले, खब्बे सज्जे देख के ना बोला है, एक और टोल वो 10 किलोमीटर नहीं है भाजी, कितने टोल लगाए रस्ते च, बंदा ने टोल देने थक जाए। सो क्या कहा, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ सीट बेल्ट जरूर लगाए, गाड़ी ओवर स्पीडिंग ना करें, और साथ ही में क्या था, एक और था, डोंट मिक्स फोन एंड ड्राइविंग, ओके थैंक यू, प्लीज ओबे दैट। टोल नहीं था, टोल था, पर ब्रिज जबरदस्त लग रहा है, पता नहीं आपको कहाँ से दिखेगा बट ब्रिज जबरदस्त है। ये जो हमारे इंडिया के, मुझे मैं अभी तारीफ कर रहा था थोड़ी देर पहले कि शुक्र है ये जम्मू की तरह ऐसे ऐसे नहीं होते, जब से यहाँ इस हाईवे पे चढ़े तो ये ऐसे ऐसे ही हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। सो ये आ गया है एग्जिट टूवर्ड्स गाजियाबाद, तो सामने आप देख सकते हैं मेट्रो रेल भी दिख रही होगी, तो ये है यूपी दिल्ली का बॉर्डर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गाजियाबाद और यूपी और दिल्ली बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज गाजियाबाद बॉर्डर।
तो हमने सीधा चलते जाना है बिना कुछ लेफ्ट राइट देखे हुए, खाली गाड़ियों का ध्यान रखना है, ना लेफ्ट लेना ना राइट लेना, सीधा चलते जाना है।